विदिशा शहर में पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में शंख और डपले बजाकर एसडीएम कार्यालय में जंगी प्रदर्शन कर किसानों की समस्या को लेकर विभिन्न मांगों के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन पूर्व विधायक कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर की सड़कों से होता हुआ एसडीएम कार्यालय पहुंचा। यहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं शंख सिटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को पूर्व विधायक निशंक जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पीड़ित किसानों के साथ शंख डपले सीटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अत्यधिक भीड़ होने के बाद एसडीएम कार्यालय में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। तकरीबन आधा घंटे एसडीएम कार्यालय के पास पूर्व विधायक बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान खरीफ की फसल के नुकसानी के साथ बीमा प्रीमियम की राशि भी दिलाई जाए। साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के समय जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी और अतिवर्षा से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 प्रति हेक्टर मुआवजा देता। वर्तमान में आप मुख्यमंत्री है, 40,000 प्रति हेक्टर मुआवजा दिया जाए। वहीं कमलनाथ सरकार ने पिछले वर्ष अतिवर्षा से फसलों के नुकसान पर 25% राशि मुआवजा के रूप में किसानों को दी। शेष 75% राशि किस्तों में भुगतान के आदेश दिए थे। शेष राशि का भुगतान किया जावे। वहीं ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 50,000, दूसरे चरण में 1,00,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। तीसरे चरण में 1,00,000 से 2,00,000 तक का कर्जा माफ होना था, लेकिन कांग्रेसी सरकार गिरा दी, जिससे शेष बची किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में शेष रहा किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों की ऋण वसूली निरस्त की जाए, साथ ही विभिन्न मांगे शामिल है। वहीं एसडीएम ने भी माना कि अभी तक बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराने के आदेश प्राप्त नहीं हुए। विदिशा से कैमरामैन दीपेश जैन के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। 11 पूरे विदिशा जिले में सोयाबीन की और उड़द की फसल पहले जो कीड़ा लगा था उसकी वजह से बर्बाद हुई। जो शेष थोड़ी बहुत बची थी वो पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। हमारी मांग है, हम तो वो मांग कर रहे हैं जो शिवराज सिंह जी ने पिछली साल कमलनाथ जी की सरकार से की थी, कि 40,000 रुपए प्रति हेक्टर के मान से सोयाबीन का और उड़द का मुआवजा दिया जावे। और उन्होंने कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टर देता। आज यदि वो बोलते कि मुख्यमंत्री हैं या नहीं, वर्दी हैं, तो जो मांग उन्होंने की थी उसको पूरा किया जावे, सिर्फ हमारी यह सबसे बड़ी मांग है। दूसरी, जो कांग्रेस सरकार के समय में जय किसान ऋण माफी योजना माननीय कमलनाथ जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई थी, उसकी जो शेष बचे किसानों की राशि है वो जल्दी जारी की जाए। किसानों की बैंकों की ऋण वसूली स्थगित की जावे। अगली फसल के लिए खाद बीज बिना ब्याज के सोसाइटियों के द्वारा उपलब्ध कराए जावे। ऐसी कुछ मांग हमारी किसानों के लिए हमने दी है और हमारी चेतावनी है कि यदि शीघ्र सर्वे जारी नहीं किया गया, सर्वे नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।